दिल बोले जश्न। मतलब जो आईसीसी ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप का एंथम निकाला है ना, उसका स्कोर है ZERO0। एक वो बड़ी टैलेंट, सबसे बकवास एंथम वर्ल्ड कप का एवर 2011 का, दे घुमा के आज भी मैं गाड़ी में सुनता हूँ, कार में। मतलब इट इज, वो रोंगटे खड़े कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। 2011 में जब वर्ल्ड कप था, तो इंडिया के जब मैच होते थे, जैसे हम लोग अपने घर से ऑफिस आते थे, अपने आप को चार्ज अप करने के लिए मैं गाड़ी में उसको सुनता आता था। वर्ल्ड कप का एंथम है yes. वो क्या, उसको आप कहाँ रेट करोगे? एक दो मतलब कितना आजकल का जो संगीत है, जिस तरीके से उसी तरीके का वो एंथम भी आ रखा है कि वो देखो, क्योंकि वो मैचेस चलते रहेंगे, एड्स के दौरान वो बजेगा, चौका छक्का लेगा, तो क्या है वो दिल जश्न दो, दिल बोले जश्न, दिल बोले जश्न, दिल बोले जश्न, वो चार लाइनें हैं। लाइंस भी वायरल होंगी, शॉर्ट्स भी वायरल होंगे, उसमें सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स डाले हुए हैं। चुटकी वाला थोड़ी देर के लिए वायरल होने वाला, हमें ही नहीं डाला। आप हो, हम भी तो यूट्यूबर्स हैं। नहीं वो मतलब हमारे लेवल के नहीं, मतलब बड़े वाले ना, बड़े वाले जो आजकल आईसीसी फलाना ढिमकाना हर बड़े मैचों में भी इनको ले जाते हैं, इनको मैचों में भी लेके जाते हैं। और हमारे जितने आज तक के शोज होते थे, हर मैच का शो देख घुमा के उस गाने से शुरू होता था। उसके बाद से आज 2023 आ गया, जब भी इंडिया का कोई बड़ा मैच होता है ना, देख घुमा के लगा देते हैं। मैं अपने क्रिकेट के मैचेस खेलने जाता हूँ ना, वो गाना सुनते हुए जाता हूँ आज भी। मैं तो कह रहा हूँ देख घुमा के ही लगाएंगे हम। 2015 का इतना तगड़ा था, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ 11, क्योंकि एक तो हिंदी में ये इन्होंने क्या निकाला, क्या ये एंथम क्या है, रणवीर सिंह को वेस्ट कर दिया उसमें। मतलब वो आपको ये आईसीसी एंथम में कह रहा है प्लीज डोंट फॉल इन लव विद द गेम, मतलब मैं हैरान हो गया देख के। मेरे को तो ये समझ नहीं आता, अब आपको ये क्रिकेटर्स या क्रिकेट को बेचने के लिए अब आपको इन्फ्लुएंसर्स की जरूरत है? ये तो भाई मतलब लोग क्रिकेट को, जो भाई क्रिकेट को पसंद करता है या क्रिकेट को देखता है या क्रिकेटर्स को जानता है या क्रिकेटर को फॉलो करता है, आप लोग भी तो फीडबैक भेजिए ना। इन्फ्लुएंसर्स की क्या, जो उसको इन्फ्लुएंसर्स की वजह से थोड़ी ना देखेगा, मुझे एक इन्फ्लुएंसर। अरे भाई मैं तो ये एशिया कप में भी देख रहा था, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, मैं खुद भी देखा, इससे पहले भी देखा। आई एम सॉरी, अब हम भी देखो है तो यूट्यूबर ही है एक तरह से, ऐसी ऐसी मतलब वहां पे रील्स बनाने के चक्कर में ऐसी ऐसी चीजें होंगी, ऐसी ऐसी हरकतें होंगी। एक मोहतरमा है, वो आई थिंक दुबई में रहती हैं, तो वो पड़ोसी मुल्क से ताल्लुक रखती हैं, दुबई रहती हैं। वो मैडम जो मोहतरमा है, उनके हिंदी में वो अपनी रील्स का वो डालती हैं कि मुझे वीजा दोगे ना, मैं आऊंगी ना, मैं आऊंगी, मैं प्यार करूंगी, मैं नहीं मिलेगा। मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ, इतना फेक दुनिया हो गई है, वो तो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ। एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को वही चाहिए, अटेंशन, बस एंगेजमेंट, चाहे जो मर्जी हो, उसके अलावा कोई वो नहीं है। वो लोग करते हैं यार स्ट्रेटेजिकली, एक बात बोलेंगे या एक जगह पे खड़े हो, अचानक से वायरल हो जाते हैं ना, फिर उसके बाद क्रिकेट का ज्ञान भी वही देते हैं, फिर वो मतलब इतने भोले बन जाते हैं कि हमारी टीम हार जाए हमें बड़ी खुशी है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपकी टीम हार जाए और आप खुशी दीजिए? आप मुझे बताओ, वो भाई ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, अच्छा मैच हो, एंड आई वुड वांट इंडिया जीते। वहां पे मैं देखता हूँ वो बेचारे ऐसे हो गए हैं जस्ट फॉर मतलब कुछ नंबर्स, व्यूज, ये वो सोच, चाहे वायरल हो जाए, वो कुछ भी बोल देंगे। हाँ, वो बोल देते हैं इंडिया जीते। आपने बता दिया उनको कि वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा? उन्हें उनको वीजा नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा वीजा की? देखो एज ऑफ नाउ मैं, हालांकि वर्ल्ड कप है वही तो, और वर्ल्ड कप में होता है फैंस को, बट जो अभी तक मैं खबरें देख पा रहा हूँ या सुन पा रहा हूँ या दोस्तों को जो जानने वाले हैं, वीजाज नहीं नहीं मिलेंगे। एक सीरियल आता था अभी, वीजाज नहीं मिलेंगे। कौन सा बड़ा वो जो हालात है उसके हिसाब से वीजाज बहुत मुश्किल है, वीजाज। और दो तीन दिन में दूसरी जो स्टोरी चल रही थी, क्योंकि मैं तो दो दिन बाद ऑफिस, मतलब ये जिस दिन टीम बनी है इंडिया की, तो जैसे दो मैचेस में विराट और रोहित को आराम दिया गया तेंदुलकर, तो उसमें मैं देख रहा था बहुत सा सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग, मतलब राहुल द्रविड़ को भी गाली पड़ रही है, रोहित को भी पड़ रही है, बीसीसीआई को भी पड़ रही है, लोग सचिन को भी ले आ रहे हैं कि जी विराट कोहली को जानबूझ के आराम दिया गया है ताकि वो सचिन का रिकॉर्ड ना तोड़ पाए। मतलब ये यार There has to be some sanity यार। आप कैसी बातें करते हो यार? विराट कोहली इंडिया से खेलते हैं,
विराट कोहली मतलब अगर कल को सचिन का रिकॉर्ड या किसी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो मतलब हिंदुस्तान में लोग नाराज होंगे। आई थिंक इट विल बी सचिन विल बी द हैप्पीएस्ट यार। जो सुनील गावस्कर ने कहा था कि एक इंडियन ने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा, कल को अगर विराट सचिन के रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो सचिन विल से यार एक इंडियन ने तोड़ा। आई मीन कैसे लोग बच्चों वाली बातें। और सेकेंडली अब मुझे नहीं मालूम, ऐसा नहीं है कि मैंने टीम चुनी है या मुझसे पूछ के चुनी गई, बट कॉमन सेंस तो यही कहती है प्लेयरों ने रेस्ट मांगा होगा।